माने जो बॉडी टेम्परेचर है 37, बाहर 0 डिग्री है, तो इसलिए वो वेपर्स आपको बाहर जाते हुए दिखेंगे। आप ऐसे फूंक फूंक के हार्ट बनाते हो विंटर में, याद है कि नहीं? दो वी मेक सर्कल्स इन विंटर, क्यों? क्योंकि योर बॉडी टेम्परेचर इज 37, आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर इज 0। बट जब हम गर्म दिनों में ऐसा करते हैं आपको पता नहीं चलता। वाई? बिकॉज अंदर का बाहर का टेम्परेचर सेम होता है, तो इसीलिए यू कैन नॉट सी एंड यू कैन नॉट मेक दो सर्कल्स, बुझ गए? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए आप जब, तो व्हाट द बॉडी डज, जब ठंड होगा तो हमारा भी 0 हो जाता है, बट फिर उसको 37 करते हैं हम लोग। तो कैसे 37 करते हैं? बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा, CO2 प्रोडक्ट, जो हीट प्रोडक्शन बढ़ाएगा, एंड हीट को वो सरफेस तक ले जाएगा। तो सरफेस तक हीट ले जाएंगे, एंड जब हम सरफेस तक हीट ले जाएंगे उसके बाद क्या होगा? ये जो हीट है इसको हम लोग फिर क्या करेंगे? इसको हम लोग डिस्पर्स करेंगे। नाउ तो अब मैंने हीट किया एंड मेरा बाहर फैट लेयर है, तो इसलिए वो रहेगा। बट समीक्षा का जो है उसका कोई चर्बी वर्बी नहीं है, लिपाक्षी का कोई चर्बी वर्बी नहीं है, आशा किरण पूरा निराशा है, कोई चर्बी नहीं है, तो इसलिए सारा का सारा हीट उसका क्या होगा? वो एटमोस्फेयर में चला जाएगा, तो इसलिए उसको फिर हीट करना पड़ेगा, फिर एटमोस्फेयर में चला जाएगा, फिर हीट करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो दोनों वो सब सुकड़े हैं, क्योंकि वो जितना खाए हीट करने में ही चला गया। बट फैट लोगों का जैसे सुभाषिस पोंडा है, जे जे एस है, आपका जो और कौन कौन दिख रहा है, मुंड है, और हमारा जो गिरिजा भूषण है, स्वयं राज है, तो ये जो सुचिस्मिता थोड़ी है, और नीतू भी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी है, आद्यशक्ति भी है, तो ये लोग क्या है, इनका थोड़ा थोड़ा चर्बी है। तो अब चर्बी क्या करेगा? उस हीट को रिटेन करने में मदद करेगा, तो हम लोग का लॉस कम होगा। ओके? इवन आद्यशा जो डाउट पूछ रही है वो भी मोटी मोटी है, उसका भी गोलगुले गाला है, तो इसलिए वो सब क्या है, आप वी विल रिटेन द हीट। तो जब हम लोग हीट को रिटेन करेंगे तो आपका लॉस कम होगा। इसलिए आप देखोगे विंटर में भूख ज्यादा लगता है, क्यों ज्यादा लगता है? बिकॉज बॉडी इज वेस्टिंग ए लॉट ऑफ फूड टू जस्ट कीप यू वार्म, है ना? ये जो मैंने देखा आशा किरण, मुझे उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका वो जो फेस मैंने देखा उस जैसा वो दिख ही नहीं रही है, तो इसको मैंने पनिशमेंट दिया। क्या दिया? उसको डीप फ्रीजर में बंद कर दिया, और जिसमें हम लोग आइसक्रीम रखते हैं उसमें बंद कर दिया। फिर हम लोग चले गए समर वेकेशन में, फिर जब समर वेकेशन से लौट के आए उसको एक पाइप दे दिया कि वो रेस्पायर करते रहे, बट उसको डीप फ्रीजर में बंद कर दिया। तो जब हम वापिस आए तो वो मिलेगी ना मर गई होगी? मर गई होगी। She must be died. वो मर जाना चाहिए, क्योंकि वो तो सुकड़ी है, उसका बदन में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, पहले पहले भाई शी इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल, तो उसने क्या किया है, वो हीट रिलीज करेगी, तो वो मेंटेन करने का कोशिश करेगी, बट उसका मेंटेन करने का कोशिश में झटका कब लगेगा? जब फूड खत्म हो जाएगा। तो जब उसका जो टिफिन का खाना खाई थी वो खत्म हो जाने के बाद उसका सारा गया, अब वो जल्दी उसका बॉडी हीट करते 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 एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ जाना चाहिए था। तो वी आर नाउ वेरी श्योर दैट आशा इज नो मोर। तो आई मुंड उसको लेके फेंक क्या, तो जैसे हमने खोला फ्रिज वो हिलते डुलते वापिस आके खुद खड़ी हो गई। सर क्या, सर मेरे को छोड़ के चले गए? तो हाउ इज योर लाइफ, बताओ वो कैसे जिंदा है, वो मरी क्यों नहीं? जतिन महावार, डीप फ्रीजर में क्या था? सर खाना था, कौन सा खाना? मटर। सर मिल्क, मटर होता है, कॉर्न मटन, भी होता है। मटर रख सकते हो, कॉर्न रख सकते हो। एक्चुअली भूमिका आप क्या रखना पसंद करेंगे डीप इसके फ्रीजर में? आइसक्रीम, आइसक्रीम रख सकते हैं। आइसक्रीम, देख रहे हो जतिन इज, इसके अंदर शट अप, जतिन इज ए गुड बॉय, तो उसने आइसक्रीम रखा। एक और भी गुड बॉय है सुभाषिस, एक है गिरिजा, किटकैट,
मटर वटर कौन खाता है, वो तो गाय खाएंगे। तो आप आइसक्रीम, चुप रहो, अब उसके अंदर आइसक्रीम था, उसके अंदर किटकैट था, डेयरी मिल्क था, और उसको खा पी के बल्ले बल्ले कर रही थी कौन, बोलो? आशा किरण। आशा किरण, आशा। इसीलिए शी कुड सर्वाइव, समझ में आया? तो इसलिए व्हाई शी डिड नॉट डाई, एक्चुअली वो क्यों मरेगी, बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। वो डिजीज को हाइपोथर्मिया बोला जाता है। बट क्यों उसे हाइपोथर्मिया नहीं हुआ, क्योंकि वो बॉडी का हीट मेंटेन करके रख पाई। क्यों रख पाई? क्योंकि फ्रिज खाली नहीं था, उसमें आइसक्रीम थे एंड सब खाना पीना था। बट डोंट ट्राई दिस, ये सिर्फ एक थियोरी है, ओके? उस गरीब को उसके अंदर नहीं डालना तुम लोग, ठीक है? चलिए, सो ता माने बुझी लो, वी कैन सर्वाइव द स्ट्रेस, ओके? तो इसलिए आपको पानी पीना चाहिए, आपके पास पानी एंड खाना होना चाहिए। तो अगर आपके पास पानी खाना है तो कोई मर्जी ठंड आप काट सकते हैं, ओके? आप जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आप लेके कोई आइलैंड में फेंक के आ जाओ, तो मैं कम से कम 6-8 महीने बच जाऊंगा, क्योंकि उतना चर्बी मेरे बॉडी में है। बट अगर आप प्रत्याशा को लेकर फेंक दो, तो वो बचने का चांस बहुत कम है, वो 1-2 महीना भी नहीं बचेगी, क्योंकि उसका कुछ माल है ही नहीं, तो वो खर्चा करेगी क्या? यस, अगर ऋतिक रोशन जैसे उसको केले का खांदी मिल गया, तब शायद बच जाए। कौन सा फिल्म का स्टोरी है बताओ ये, भूमिका? किस फिल्म में ऋतिक रोशन को केले का खांदी मिला था? छी 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 छी, तो नीट कैसे होगा तुम्हारा? I don't know. कहो ना प्यार है, समझे? चलो, तो सब जाने में पड़ी हो ना, तो नीट पाने के लिए आपको पिक्चर भी देखना पड़ेगा, ओके? चलिए, सो नाउ लेट्स गो अंडरस्टैंड। बट जो बेंगा बिचारा है, जो स्नेक बिचारा है, ये लोग रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए बाहर 0 तो अंदर 0, तो अंदर 0 तो एंजाइम 0, एंजाइम 0 तो क्या होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू एनीथिंग। तो इसीलिए अब उस दिन जब मैंने आशा किरण को बोला कि सांप पकड़ के लाओ किंग कोबरा, तो वो उठा ले आई, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया था। क्या है फॉर्मूला किंग कोबरा पकड़ने का बताओ? रात को लेके आने का, कोल्ड ब्लडेड। रात को लेके आने का फॉर्मूला था। कौन सा रात? रात के 2 बजे, ठंड रात। ठंड, इन कोल्ड विंटर नाइट्स। तो आशा क्या कर रही, उसको उठा के ले आई, उसको बड़ा घमंड हुआ है, 8-10 फीट का सांप मैंने पकड़ लिया। तो अब उसको गर्व हो गया, घमंड उसको हो गया। अब उसने क्या किया, उसको अपने गर्दन में लपेटा शिवजी जैसे, एंड गली भ्रमण करने, देखो मेरा कोबरा, देखो मेरा कोबरा, समझ में आया? एंड दिखाते दिखाते कितना बज गया, सुबह मतलब दोपहर का 2 बजे। तो फिर दोपहर के 2 बजे तो क्या मिला उसको? 12 बजे किंग कोबरा का जहर अगर आपको मिल गया प्यार से, तो आप 250 बार इकट्ठा मरोगे, समझ आया? तो दैट इज द कंसेप्ट, आ गया भले भले? तो दिस इज द केस, ओके? बट एक और कंसेप्ट था पार्शियल रेगुलेटर का, वो लोग बताए नहीं, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। जैसे अभी तुम लोग हो, तो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है कि नहीं? नाउ लिपाक्षी पांडा, आर यू यूजिंग एसी इन योर रूम? सो नॉट नाउ। किस किस के आप एसी यूज करते हो? एसी ऑल ऑफ यू यूज और नॉट? यस सर। क्यों 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 क्यों? गर्मी लगता है सर। गर्मी लगता है सर। के लिए आप वार्म ब्लडेड हो, रेगुलेट करो, रेगुलेट करो। इतना ज्यादा बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करो? करेंगे
कोई दिक्कत नहीं, आप स्वेटिंग करो, आप ठंडे हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा स्वेटिंग से चिपचिपा लगने लगता है, चिपचिपा लगेगा तो आपको कारू का खजाना मिलेगा। कारू का खजाना आप जानते हो, कारू जो टिंटिन ढूंढता है, टिंटिन एक कार्टून पहले हुआ करता, आज पढ़ते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, टिंटिन तो टिंटिन हर समय कारू का खजाना ढूंढता था, बट एक्चुअली ओडिया में कारू का मतलब क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, वो तो तुम्हारे ही पैंट के अंदर है, जितना नोचना है नोचो, ढूंढने का जरूरत क्या है, तो दैट इज कॉल्ड कारू का खजाना इन ओडिया, समझे, तो ओडिया में उसको हम लोग कारू का खजाना बोलते हैं। बेचारा टिंटिन को पता ही नहीं चला, वो दुनिया भर में ढूंढ रहा है, ओके, जो उसके पिछवाड़े मिली, तो समझ में आया कि नहीं, तो ता माने कौन, वाई आर वी गेटिंग इरिटेटेड ऑफ द हॉट या हीट, बिकॉज एक तो पसीना गड़बड़ करता है, उस पर फिर बॉडी ऑर्डर आने लगेगा, ओके, कपड़ा बार बार धोना का इच्छा होगा, प्लस आप सो रहे होगे, सुबह देखोगे पूरा बिस्तर गीला होगा, तो आप सुसु किए ना पसीना किए, डाउट कर देंगे लोग, नहीं डाउट नहीं करेंगे, तेरे पे डाउट थोड़ी करेंगे, तू सुसु करता है बेड में इडियट, तो समझ रहे हो, तो तुम लोग का अगर बेड में पानी होगा इसका मतलब वो पसीने से होगा गर्मी के, तो आप तो सुबह कैसे क्लास करोगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एसी लगा लेते हैं, तो एसी लगाने का भी इट इज अ टाइप ऑफ वार्म ब्लडेड ना कोल्ड ब्लडेड एटीट्यूड, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, तो इसको हम कौन सा टर्म देना पसंद करेंगे, एसी यूज करना, कोल्ड एसी, कोल्ड एसी यूज करते हो, इसका कौन सा टर्म हम यूज कर सकते हैं, आदेश अदास बताओ, तुमने तो सुना होगा, अरे पार्शियल, नहीं समर स्लीप किसको कहते हैं, समर स्लीप से भूल गई थी, एस्टिवेशन, समर स्लीप को हम एस्टिवेशन बोलते हैं, अंडरस्टैंड, तो इसीलिए अब तुम देखो, तुम वार्म ब्लडेड एनिमल होने के बावजूद भी एस्टिवेशन करते हो, अब माय ब्रदर स्टेज इन सिडनी, तो सिडनी में अभी कौन सा सीजन है, ठंड लग रहा होगा, विंटर, तो समझ रहे, अब उधर नेचुरली एसी दो तरह का होता है, हॉट एंड कोल्ड एसी, तो अब वो लोग भी एसी यूज करते हैं, कौन सा एसी, उसका हीटिंग कूलिंग दोनों होता है, अब आप टेम्परेचर फिक्स कर दो, सपोज आप चाहते हो कि घर का टेम्परेचर 20 डिग्री रहे, तो आप उसको 20 फिक्स कर दो, तो अगर बाहर जीरो है तो वो 20 कैसे करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा गर्म करके, एंड yes, अगर बाहर 50 है तो 20 कैसे करेगा, सो नाउ यू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, तो दिस इज द केस, तो इंडिया में आप लोग क्यों हीटिंग एसी नहीं रखते हो, क्योंकि जरूरत नहीं, सर बहुत गर्मी है, तो इन इंडिया वी डोंट नीड द हीटिंग एसी, क्योंकि यहाँ विंटर तो कम से कम एक दो दिन का ही होगा, ज्यादा विंटर होता नहीं है, यस, अगर आप पंजाब में रहते हैं या सपोज आप कश्मीर वश्मीर में रहते हैं, यू मे ऑल्सो नीड ए हीटिंग एसी, ओके, तो जस्ट लाइक दैट, अब समझ आया, तो इसलिए आप देखो, आप रेगुलेटर होने के बावजूद भी एस्टिवेशन कर रहे थे, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर, क्यों आप कर रहे थे, क्योंकि आपके बॉडी में इतना एनर्जी नहीं है कि आप खर्च करके बच जाओ, अंडरस्टैंड, तो जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स जो है वो, अब तो हम लोग का तो एग्जांपल अलग है, बर्ड्स का ले लो, बर्ड्स कैसे विंटर काटेंगे बताओ, अगर माइग्रेशन, नो फॉरगेट, माइग्रेट करके, आप इडियट आदमी हो, तुम लोग को मैंने क्या बोला था, क्लास मेरे क्लास से शुरू किया करो, फॉरगेट किया माइग्रेशन जैसा कोई सब जानते हैं भाई, बर्ड रहता है साइबेरिया में, तो बर्ड कौन सा ब्लडेड है, कोल्ड ना वार्म,
वार्म ब्लडेड एनिमल. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो तो वार्म ब्लडेड एनिमल है, दिक्कत क्या है? वो तो आराम से रहेगा, है कि नहीं? वो वार्म ब्लडेड एनिमल है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. बट देन हाँ बोलो, ब्रीडिंग के लिए सर, वहाँ पर खाना नहीं मिलता और वो लोग बच्चा नहीं, नहीं, सुनो, स्टुपिड चुप स्टुपिड. अरे खाना तो चिंटी को भी नहीं मिलता था, तो उसने क्या किया था? व्हाट डिड द चिंटी डू फॉर विंटर? समर में खाना, फूडिंग समर से कलेक्ट करता, खाना जमा करता. व्हाट डिड द What did the polar bear do in winter? Polar bear hibernate करता है. Polar bear तो शिकार करता है, seal wheel खाता है. तो actually polar bear क्या करते हैं, जब winter आने के पहले वो और खा पी के मोटे हो जाते हैं. क्यों? ताकि उनका जो फैट्स है वो विंटर को काटने में मदद करेगा. डू यू अंडरस्टैंड? बट बर्ड्स फिर खा पी के मोटे क्यों नहीं हो जाते हैं? उड़ नहीं पाएंगे, बड़ा पेट नहीं पाएंगे. नो नो नो, बिकॉज दे कैन नॉट फ्लाई. समझ में आया गधो? तो बर्ड रेगुलेट कर सकता है, वो भी खा पी के स्टोर करके रेगुलेट कर सकता है. बट अगर ज्यादा खा लेगा, ज्यादा पी लेगा, तो वो उड़ नहीं पाएगा, तो उसके एनिमीज उसको खा जाएंगे. इसीलिए वो ये नहीं कर सकता. इट कैन नॉट ईट मोर, ये उसकी मजबूरी है. तो हाउ टू सेव देन? आप बेचारे वो हाइबरनेट करके इंडिया चले आते हैं. क्यों? ताकि उनको ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस सहना ना पड़े. बुझ गया कि नहीं? तो इसलिए बर्ड्स कैन सेव बट दे डू नॉट सेव. द रीजन इज दैट विल अफेक्ट देयर फ्लाइट. तो इसलिए बर्ड्स को हम ट्रू रेगुलेटर में डालेंगे ना पार्शियल रेगुलेटर में डालेंगे? वेरी गुड. अब आप सोचिए, जो पोलर बियर है, आपने बोला हाइबरनेटिंग तो मैंने गाली दे दिया, बट मैं बोलता हूँ पोलर बियर हाइबरनेट करता है, क्या कर लोगे बोलो? तो आप देखते हो कि नहीं, मैं कितना कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी हूँ. मैं अपने ही पॉइंट को काट भी देता हूँ, मैं अपने ही पॉइंट को प्रूव भी कर देता हूँ. ना प्रूव मी राइट प्रत्याशा. पोलर बियर हाइबरनेट. सुने, कब पोलर बियर हाइबरनेट करेगा? अब आप, उसने एस्टिमेट किया था कि पिछले बार 6 महीने का सर्दी हुआ था, पिछले बार टेम्परेचर -20 हुआ था, इसीलिए मैंने इतना सेविंग कर लिया. बट इस साल गड़बड़ हो गया, इस साल -40 हो गया है. गत वर्ष -20 थिला, तो -20 टू बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना था, उसने सेव कर लिया. अब -40 से बॉडी टेम्परेचर सेव करना है, तो खर्चा क्या हुआ? कम गया ना, बढ़ गया? बढ़ गया सर, बढ़ गया. अगर खर्चा बढ़ गया तो क्या उसने सेविंग किया है उतना? अब उसका सेविंग रहेगा ना विंटर खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा? विंटर खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा. तो उसको मरने का शौक है ना नहीं है? नहीं, अब वो क्या करेगा? आ गया कि नहीं मजा? तो इसीलिए देखिए एक चीज, सी व्हाट जेजेस इज टीचिंग यू, जेजेस इज टीचिंग यू साइंस.
डोंट लिसन टू स्टोरीज, यहाँ हर कुछ मुमकिन है। साइंस कहता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। तो पोलर बियर डू नॉट हाइबरनेट, मैंने तुम्हें गाली दिया, फिर बोल रहा हूं कि वो हाइबरनेट करता है। तो लिपाक्षी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, पागल आदमी है, कभी तो बोले हाइबरनेट करे है, कभी तो बोले हाइबरनेट नहीं करे है, ये आदमी ऑड्स है। बट आदमी ऑड ना से, कंडीशन ऑड्स है। तो क्या कंडीशन ऑड्स है कि जो हिसाब रे हमें सेविंग करी थी, एबे तुम डैडी मम्मी माने तुम पे सेविंग्स करू छती है कि नहीं। आप लिपाक्षी का मम्मी ने उसके पीछे पीठ में हाथ दे के बोल रही, बेटी चिंता मत कर, तू डॉक्टर बन जा, तेरे लिए मैं 5 लाख रुपए रखी हूँ, तू उससे हॉस्पिटल बना देना। तो अब लिपाक्षी का मन सूख गया, साला 5 लाख में कौन सा हॉस्पिटल बनता है कि नहीं। अब लिपाक्षी जिस जमाने में हॉस्पिटल बनाएगी, उस समय 5 लाख रुपए भिखारी लोग दान दे रहे होंगे ना क्या। अब डैडी लोग LIC बनाते हैं, तो आप देखोगे कि LIC वो अपने खर्चे से बना रहे हैं। तो आप, तुम्हारे डैडी तुमको बोल रहे हैं चिंता नहीं करना बेटा साइना, 50 लखड़ा तो पे रख दीज। अरे भाई, जब साइना रेडी होगी खर्च करने के लिए तो शायद 50 रुपए में मूड़ी मिलता हो, 50 लाख में मूड़ी मिल रहा हो, तो आप उस सेविंग का आप करेंगे क्या। तो ता मानने बुझो कि नहीं। तो योर सेविंग इज नॉट इनफ फॉर योर सस्टेनेंस। तो इन दिस केस आप खर्चा करोगे ना नहीं करोगे? नहीं करेंगे। रिया चक्रवर्ती क्यों छोड़ के भाग गई सुशांत को? क्योंकि आफ्टर 15 करोड़ खा गई, अब देखा बैंक में नया पैसा आ नहीं रहा, अब 2 करोड़ बचा है, उससे मेरा क्या होगा, इसलिए छोड़ छाड़ के भाग गई किसी और को फंसाने के लिए। समझे कि नहीं? तो अब जब माल खत्म हो गया तो सुशांत किए फुसांत किए, डू अंडरस्टैंड। तो इसी एक मस्त डायलॉग याद आ रहा है सर इससे। हाँ बताइए। लड़की का चक्कर डेंजर है बाबा। हाँ चलो चलो, वो बोलो मत, सीखो भी उसको, समझो एंड डोंट ग्लेयर एट द गर्ल्स। ओके चलिए। तो एक्चुअली ऑलवेज रिमेम्बर, JJS बिलीव्स इन लव बट इन MD। तो आप लोग कब लड़का लड़की फंसाएंगे? MD में, उससे पहले नहीं। उससे पहले हर लड़का तुम्हारा भाई है। MD मतलब तुम्हारा अंडा, इडियट। MD क्या होता है? डॉक्टरेट इन मेडिसिन। तो जब आप MD करोगे, सपोज भूमिका MD, उसका ऑनरा MD, तो मेरे को दो दो डॉक्टर फ्री। आप गिरिजा भूषण MD, उसका BV MD, तो दो दो डॉक्टर फ्री। आप भी अगर लड़का लड़की बाजी करोगे तो दो आवारा फ्री। तो कौन सा पसंद करूंगा मैं, आप सोच लो। तो आया, तो दैट इज व्हाई, व्हाट इज द डायलॉग ऑफ JJS, व्हाट इज द डायलॉग ऑफ JJS क्लासेस, लव इन MD। ओके, उससे पहले सब वी इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है कि नहीं। चलिए, आप बाद में भले ही आप सिस्टर से शादी कर लो, बट अभी आप ब्रदर सिस्टर ही रहना। ओके, क्योंकि आप जब ऑल इंडियंस आर ब्रदर सिस्टर, तो बीवी का अमेरिका से लाओगे ना, पाकिस्तान से। चलिए, तो नाउ आगे मजा। सो दिस इज द कंसेप्ट, तो प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक। ओके, तो व्हाट इज इजी, रेगुलेशन इजी है ना कॉन्फर्मेशन इजी है? कॉन्फर्मेशन मतलब छुप जाना, आसान कौन सा है? कॉन्फर्मेशन इजी। अबे गधे, छुप। अब सपोज सुनो, आप भूमिका मम्मी जो है वो बाहर चली गई है, तो आप भूमि बोल दिए मम्मी मैं स्कूल से आ गया हूँ, खाना दो। तो मम्मी ने बोला बेटा मैं तो बाहर हूँ, तो तू खाना खा ले। तो मैं क्या बना है ना, फ्रिज में कुछ होगा, निकाल के खा लो। तो भूमि ने देखा कि वो 3 दिन पुराना सब्जी रोटी पड़ा हुआ है, तो आप वो खाएंगे ना, हर रॉ मटेरियल है आपके घर में, चिकन है, चावल है, सब्जी है, मटन है, तो आप बना के खाना पसंद करेंगे ना, वही 3 दिन वाला खाना खा के क्लास करेंगे। बताइए, बना के खाएंगे ना 3 दिन पुराना वाला खा लेंगे, फ्रिज में ही रखा है। सर अगर आता ही नहीं होगा, बना के खा लेंगे सर, बना के खाएंगे। सोचो, बना के खा लेंगे सर, जो होगा वही खा लेंगे।
किसने बोला सायं प्रभा तुम क्या करेगी? सर जो होगा वही खा लूंगी और क्या। और सुभाषिस पांडा तुम क्या करोगे? सर बनाकर खाएंगे। चंद्रकांत तुम क्या करेगा? सर बना के खाऊंगा। समीक्षा क्या करेगा? बना के खाएंगे सर। आशा क्या करेगी? सब बना के खाऊंगी। तुम सब गधे जिंदगी में प्राइम 40 छोड़ दो अभी रास्कल। तुम लोग को फेल होने का शौक है? अबे बना के खाओगे तो पढ़ेगा कौन तेरा डैडी? तो आप मैगी बना लेंगे ना दो मिनट में। शट अप। अकेली सायं प्रभा नीट पाई बस। तुम सब गधे होगे पेशेंट बनोगे। अरे तुमको टाइम का क्या गानी नहीं है? तुमको पढ़ाई इम्पोर्टेंट है ना? तेरा चिकन करी मटन करी खाना इम्पोर्टेंट है। नॉनसेंस। मैगी एक दिन उपवास। तो समझ आया? डोंट टॉक नॉनसेंस इन माय क्लास। मैंने आपको क्या बोला था? मेरा मजाक क्या है? वो जोर का झटका धीरे लगने के लिए है, तुम्हारा मजाक खोलने के लिए नहीं है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली व्हाई सायं प्रभा विल क्लिक इन द नीट, क्योंकि वो पढ़ने पे जोर दे रही है भाई। उसके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। अब जो मर्जी है खा लेंगे, बट तुमको गरम गरम चाहिए तो गरम गरम खा और फेल हो। समझ में आया? तो इसीलिए कॉन्फर्मेशन इज मच इजियर। क्यों? उसका खर्चा कुछ नहीं है। अब तुम मिट्टी खोद के नीचे छुप गए, फिनिश्ड। बट अब जब तुम बाहर रहोगे, अरे बाहर जंग हो रहा है तो तुम बाहर खड़े होने से डेंजर ज्यादा है ना, छुप जाने से डेंजर ज्यादा है? खड़े हो गए तो डेंजर ज्यादा है। तो समझ में आया? तो अगर आप बाहर रहोगे तो आपका ज्यादा एनर्जी खर्च होगा। अब ज्यादा एनर्जी खर्च करने के लिए आपको ज्यादा मेटाबॉलिक रेट करना पड़ेगा, ज्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा खाना पड़ेगा। समझ में आया? तो रेगुलेशन इज एनर्जी एक्सपेंसिव, इसमें खर्चा होता है। बट कॉन्फर्मेशन इज नॉट एनर्जी एक्सपेंसिव। वो आप आराम से जाके छुप जाओ। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। तो आ गया मजा? तो दिस इज द केस। तो इसीलिए रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। फाइन, तो दैट इज फेयर। जैसे जतिन महावार है, जतिन महावार है थोड़ा अमीर ज्यादा है, वो रिच बॉय है, तो इसलिए वो सिर्फ 5 स्टार में खाना खाता है। ओके, संचित मुंड जो है वो 0 स्टार है, वो जिंदगी में 5 स्टार देखा नहीं, वो सब रोड का टपरा टीला में खाता है। बट तो जब जतिन महावार और संचित मुंड दोस्त हो गए, तो जतिन जब लेकर गया संचित को 5 स्टार में, तो वो होटल वाले को क्या बोलता है? ओए एसी लगा, ए क्या फैन लगा, गर्मी हो रहा है। तो होटल वाला क्या बोलता है? सर एसी है ना, कहा है पंखा नहीं हो रहा है, पंखा लगा। अब वो जब खाना दिया वो पूरा हापुड़ने लगा, तो अब वो बोलता है सर प्लीज यूज कांटा छुरी, ये आइसक्रीम स्पून है, ये फलाना स्पून है, ये फलाना चाकू है, ये कपड़ा है। तो वो कपड़ा बॉडी में नहीं रखे, संचित मुंडा मुंह हाथों पोछ, समझो हाथ से खा लिया, वो कपड़ा से पोछ दिया, वो बेचारा उसका सूख गया कलेजा। अब संचित मुंड उसको जतिन महावार को लेके टीले पे चला गया, तो जतिन महावार बोलता है वो जेठी इट इज नो हाइजीन, ये प्लेट देखो कितना गंदा धुला हुआ है। तो अब जतिन कैन नॉट सर्वाइव इन द टीला, मुंड कैन नॉट सर्वाइव इन द 5 स्टार, बट जो हमारा चंद्रकांत है वो छत्तापट्टी है, उसके पास 50,000 रुपया है तो 5 स्टार में खाएगा, 5 रुपए है तो टीला में खाएगा, 50 रुपए है तो थोड़ा बड़ा होटल में खाएगा, 2,000 रुपया है तो 3 स्टार में खाएगा। तो किसका जिंदगी आसान है बताओ? मुंड का ना जतिन का ना चंद्रकांत का? चंद्रकांत का। चंद्रकांत का क्योंकि वो कहीं भी चल जाएगा, चंद्रकांत कहीं भी चल जाएगा, पर मुंड 5 स्टार में नहीं चलेगा। उसको लेकर जाओगे तो तुम्हारी जगह सही होगी, एंड जतिन टीले पे नहीं खा पाएगा तो उधर भूखा रहेगा। तो इसीलिए कॉन्फर्मेशन आसान है, ओके, बट रेगुलेशन मुश्किल है। बट अगर आप रेगुलेट कर लेते हो आप कई मर्जी रह लोगे, बट अगर आपको कॉन्फर्म करना पड़ा तो आप हर जगह नहीं रह सकते।
इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, थोड़ा भेजा लगा के यूज करना. व्हाई फ्रॉग्स आर नॉट फाउंड इन ओशंस? Why frogs are not found in ocean? आज ये नहीं आई है शायद हमारी, कहीं दिख नहीं रही है बरसा. The frogs are cold-blooded animals. हाँ और सोचो, सुनिए एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज. हर समय मेरे ही पूंछ में लगे रहो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा और आप दही यूज कर सकते हो. सुनिए, समुद्र में नहीं मिलने का मतलब टेम्परेचर से कोई लेना देना है? तो जब नहीं है तो क्या उधर दिमाग खर्च कर रहे हो? तो सैलिनिटी. यस, तो अब सैलिनिटी का सॉल्टी वाटर है तो इसीलिए व्हाई फ्रॉग्स कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर? सर उनके सेल्स से वो वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाए. सुनिए, उसका सिंपल कंसेप्ट है, फ्रॉग का स्किन जो है ना उसमें कोई स्केल फेल नहीं होता है, तो इसलिए जैसे ही फ्रॉग जाएगा समुद्र में तो सॉल्ट बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो उसका बॉडी का सारा वाटर बाहर चला जाएगा एंड फ्रॉग सुखुआ बन जाएगा. ओके, तो इसीलिए एम्फीबियंस दे हैव मॉइस्ट स्किन, सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी फाउंड इन मराइन कंडीशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन भी आता है आप लोग का. तो क्यों अब उसके लिए में? हाँ तो आप उसके लिए एक लॉजिक बताइए, एक गिव मी वन टर्म व्हाई दे कैन नॉट सर्वाइव. गिव मी वन टर्म. प्लाज्मोलिसिस. नो नो नो, जैसे हमने एक्सोस्मोसिस सर. यस यस यस, एक्सोस्मोसिस. गिरिजा बोल दिया है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. तो इज फ्रॉग एन ऑस्मोरेगुलेटर ना ऑस्मो कॉन्फर्मर? रेगुलेटर ना कॉन्फर्मर? कॉन्फर्मर मतलब वो रेगुलेट नहीं कर सकता.